देखिए प्रोग्राम देश बुक चुनेत के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। कभी कोई ऐसी खबर जिसे ब्रेक करते हुए डर लगाओ? नहीं, डरती वरती नहीं हूँ। ये है, डर वर कोई नहीं लगता। डर तो नहीं कभी लगा। हाँ, ये है कि कभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटेड होते हैं कोई खबर देते हुए, या कभी इमोशनल हो जाते हैं, या शायद बहुत अफसरदा भी हो जाते हैं कुछ खबरों के साथ, तो वो कभी फीलिंग्स आ जाती थी। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मेरा ख्याल है कि हमें अपना जज्बात को कंट्रोल करना होता है, और वो हम कर लेते थे। साफियों को तो अक्सर धमकियाँ मिलती रहती हैं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? ऐसे कोई डायरेक्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा उस तरह से नहीं धमकी मिली, लेकिन बस आपको मालूम ही है कि थोड़ा जैसे मुल्क के हालात होते हैं उसमें सब खुद से ही ये फील कर रहे होते हैं कि विजिलेंट हो जाना चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, केयरफुल हो जाना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ एक पूरा माहौल ही बन जाता है कि जिसमें आप ये महसूस कर रहे होते हैं कि कोई खौफ है कि कोई आपको आपके लिए कोई बंदिश आ जाएगी, या कोई आपके लिए मसला ना बन जाए, कोई नौकरी पे ना बात आ जाए, तो इस तरह के खदशात कहीं आपके ऑटोमेटिकली जहन में होते हैं। तो इस तरह से कोई सख्त किस्म की सीधी सीधी धमकी तो नहीं है, लेकिन बस आप समझ जाएं। क्या आपको भी कभी गाड़ी, प्लॉट या बंगले की ऑफर? हाय, प्लीज़ कोई कर दे। नहीं, भट्टी साहब शुक्र है अल्लाह का कभी हुई नहीं है, और अगर हो भी जाए तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि मैंने कौन सा अवेल करनी है। तो बस कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने एक चीज़ जिसको कहते हैं ना आपके खमीर में डाल दी हुई है, वो ये है कि ख़ुद भी हक हलाल उन्होंने कमाया और हमें खिलाया, और आगे हमारे अंदर भी ये तमीज़ डाल दी है कि आपने लुकमा कोई हराम का नहीं उठाना है। कभी कोई लिफाफा भी नहीं मिला? नहीं, लिफाफा भी नहीं मिला कभी। नहीं, कैसी बात, किस्मत है। लिफाफे वाली पार्टियों की हमायत हम करते नहीं ना। जो ऑफर करते हैं। हिमायत तो इनफैक्ट किसी भी पार्टी की नहीं है। असल में बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि जी आजकल तो जर्नलिज्म है ही शायद ये कि जी या आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, या आप एक तरफ की हिमायत कर रहे हैं या आप दूसरी तरफ की हिमायत कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ऐसा जर्नलिस्ट के लिए होना भी नहीं चाहिए आइडियली, और ऐसा है भी नहीं। बात यह है कि जब आप जो जिस वक्त सही है हमें उसकी बात करनी है। साफ़ती जिम्मेदारियाँ ज़्यादा मुश्किल हैं या घरेलू? मुझे लगता है घरेलू ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बच्चा आप पैदा करें और उसकी तरबियत करें। ये बहुत अल्लाह ताला ने बड़ी ज़िम्मेदारी औरत को दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो चार हैं, तो माशाल्लाह उन सब की अच्छी तरबियत पे मेरा बहुत फोकस रहता है, होना चाहिए। तो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आज भी समझती हूँ कि एज ए मदर ज़्यादा टफ़ हैं, उनके साथ मुझे जो पूरा एक टाइम स्पेंड करना है, उनके मामला दुरुस्त रखने हैं, उनका एक निज़ाम ज़िंदगी ले कर चलना है, तो उसमें ज़्यादा टफ़ रहता है। बाकी अपना काम तो जो है उसको मैं आसानी से मैनेज कर लेती हूँ। उसमें हैं उसके चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन वो हर वक्त नहीं है। हाँ। लेकिन बच्चे पालना जो है ना ये एक हर वक्त का चैलेंज, 24 आवर्स की जॉब है। आप 1.5-2 से ज़्यादा अरसे से बतौर टीवी एंकर फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत देर से आई हैं। अब तो काफ़ी करती हूँ। वैसे शुरू से मैं इतनी ज़्यादा कोई सोशल मीडिया की तरफ माइल नहीं थी, बल्कि बहुत सारे एंकर्स ने तो बहुत अरसा पहले इसकी तरफ अपना ट्रेंड कर लिया था, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा दूर रही इससे, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बिल्कुल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा कोई मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी। फेसबुक पर भी बहुत पहले कभी अकाउंट बनाया था, लेकिन उसको भी मैंने कभी ना खोला ना कभी यूज़ किया। तो बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों से ज़रा दूर ही रहती थी उसकी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। बस वजह ये भी है कि ज़रा ध्यान सारा फैमिली और बच्चों और इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा बस ऑफिस गए, अपना काम किया, निमटा के आ गए। अब जब से ये प्रोग्राम करने लगी मैं GNN पे व्यू पॉइंट, तो मैं फिर मुझे लगा कि नहीं, अब आपको एक ज़्यादा एक्सेस की ज़रूरत है तमाम चीज़ों की तरफ। इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो इतना ज़्यादा इन सोशल मीडिया से आ रहा है, तो इससे आप दूर नहीं रह सकते। फिर मैंने थोड़ा सा चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। हालिया दिनों में आपका एक वीलॉग बहुत वायरल हुआ, क्या ऐसे वीलॉग्स के बाद कोई दबाव भी आता है? दबाव पता नहीं किसको कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि उसके बाद मुझे सब की तरफ से ये ज़रूर कहा जाने लगा कि आप मोहतास हो जाएं, अभी फ़िलहाल खामोश हो जाएं, अभी हालात ऐसे हैं कि कहीं आपके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें सब ने मुझे गाइड किया, जो मेरे सीनियर्स भी हैं ऑफिस में भी, और जनरली भी मुझे बहुत ज़्यादा
उसका फीडबैक इसी तरह से था, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से बहुत फीडबैक भी आया उसके ऊपर। और हर कोई जब जहाँ ये बात कर रहा था कि आपने बहुत ज़बरदस्त बात की उसमें, और बड़ी हमें खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे से तमाम लोगों के जज्बात भी बताए और उस पर जो आपने गुफ्तगू की वो बड़ी ला देने वाली थी, जहाँ लोग ये तारीफ़ कर रहे थे वहीं पर अगली बात वो यही कर रहे थे कि लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखें, हम आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। तो ये एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए लेकिन है, और उसकी वजह से जाहिर है कि आप फिर कहीं, बेशक आपको डायरेक्टली कुछ ना भी कहा जा रहा हो लेकिन आप कहीं ना कहीं वो आपको पता लगता है कि कोई दबाव है, कि आप उस तरह फ्री महसूस नहीं करते ख़ुद को कि आप बात करते हैं। तो आप जब आपको सोच के बात करनी पड़े ना कि भाई हमें बात करनी है लेकिन मैंने सोच के बात करनी है कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना, तो फिर इसका मतलब है कहीं दबाव है। आपके तो लाखों फैंस हैं लेकिन आप किसको पसंद करते हैं? जर्नलिज्म में मुझे दो तीन लोग बहुत पसंद हैं। एक तो मैं अज़हर अब्बास साहब को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बैलेंस्ड और बहुत प्रैक्टिकल, बड़े रियलिस्टिक एंड वेरी अनबायस्ड। अरशद शरीफ का बात करने का स्टाइल और काम का अंदाज मुझे बहुत पसंद था। सुहेल वड़ाइत साहब को सुनना आज भी अच्छा लगता है, मेरे टीचर भी रहे हैं। अब तक किन किन चैनल्स पर काम कर चुकी हैं? से कितनी सैलरी मिली और कहाँ काट लगे और सबसे ज़्यादा कहाँ सीखा? सीखा कहाँ? सीखा तो हर जगह से है। कुछ जगह से ये सीखा कि क्या करना चाहिए, कुछ जगहों से ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। और काम पाकिस्तान के माशाल्लाह से तमाम लीडिंग चैनल्स में करने का ऑलमोस्ट मौका मिला। सीखते तो फिर आप थ्रू आउट रहते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ आप सीखते जाते हैं। कहा जाता है कि मीडिया में खवातीन के लिए काम करना कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं समझती हूँ कि ये जिस टाइप की फील्ड है हमारी, मेरा ख्याल है इन चीज़ों से ना ख़ुद को निकाल के सोच के आपको काम करना चाहिए कि आप औरत हैं या मर्द हैं। और मेरे नज़दीक मुझे कभी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम फेस नहीं उस तरह से करनी पड़ी कि चूँकि मैं खातून हूँ तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। समीना पाशा के शौहर शहजाद पाशा और बच्चों के साथ भी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। समीना पाशा साहब का जरा इंट्रोडक्शन करवाएं ना। इंट्रोडक्शन तो आपने अच्छा कराया, मैं तो मतलब जानता हूँ कि बहुत ही जय्यत किस्म की पाकिस्तान की इस वक्त उभरती हुई सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, जब से इन्होंने सोशल मीडिया पर आई हैं तो उस पर छा गई हैं। शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हाँ, पसंद से ही हुई, अंडरस्टैंडिंग थी, इनफैक्ट इनकी पसंद थी मैं तो बस साथ में काम कर रहे थे एक चैनल में, फिर इन्होंने प्रपोज़ किया तो फिर फैमिली से मैंने मिलवा दिया कि भाई अगर फैमिली ओके करती है तो ठीक है, मामला फिर आगे चलते हैं। तो फिर इन्होंने फैमिली से मुलाकात की और फिर इनकी फैमिली भी मिली, फिर बस लिखा हुआ था तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें हो गई स्मूथ और फिर शादी हो गई। इतना आसान कर दिया उन्होंने, मतलब इसमें आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हाँ लव मैरिज हुई थी, मैंने कहा और उन्होंने भी घर जाके कह दिया, फिर घर वाले मिले, यानी कि हाँ मैंने बताया तो है कि पसंद से थी और अंडरस्टैंड नहीं, मतलब आपने कहा हाँ पसंद से, आप बोले हाँ पसंद से ही है लव मैरिज। तो अब घर पर किसकी चलती है, आपकी या समीना की? इतना मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, इतनी आसानी से पूछ लिए और इतनी आसानी से पूछ लिया, ज़ाहिर है नहीं चलती और चलती नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मुशावरत से ही होता है, कंसल्टेशन से कोई भी डिसीजन करना हो और मिलके ही करते हैं, डिस्कशन के साथ कर लेते हैं। देखिए प्रोग्राम देशभक्त जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNS।